नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने जलभराव वाले गांवों का दौरा किया। सीमा से सटे जिले के गांव में राजस्थान का पानी घुस गया था। बरसाती पानी के जलभराव से घरों और फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सहकारिता मंत्री ने मौके पर अधिकारियों को विशेष गिरदावरी करने के निर्देश दिए। जलभराव प्रभावित गांव खंडोडा में पत्रकारों से बातचीत में सहकारिता मंत्री किसान आंदोलन पर बोले कि किसान आंदोलन के नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। उन्होंने कहा कि वे किसानों के लिए नहीं अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लोकसभा बाधित करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे किसान हितैषी हैं तो संसद में आवाज उठानी चाहिए। संसद बाधित करने से कोई मकसद हल नहीं होगा। इनेलो सुप्रीमो प्रकाश चौटाला की रिहाई पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि हर राजनीतिक दल अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए प्रयास करता है। ओपी चौटाला भी अगर प्रयास करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस दौरान उन्होंने जल संचयन पर काम नहीं होने पर सरकार की गलती मानी और कहा कि इस पर भी काम जल्द शुरू किया जाएगा। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। बात करें प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ असर देखने को मिलता है? देखो, हर राजनीतिक पार्टी अपनी तरफ से प्रयास करती है कि अपना जनाधार कैसे बढ़ाएं। तो उसी सिलसिले में भाई माननीय उनका चौटाला जी भी अपनी पार्टी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं। और पुराने नेता बड़ी शहर की पर्टिकुलर बात करें कि जिस तरीके से लगातार दो दिनों की बरसात से जल भरा हुआ, उसको लेकर क्या कुछ प्रबंध के निर्देश दिए? उसके लिए भी अभी डिस्ट्रिक्ट हाउस मैंने बात की थी कल और मैंने उनसे कहा कि भाई जो भी हमारी आपका स्टॉर्म वाटर की जो भी कहीं दिक्कत है, पानी बरसात से पानी कहीं रुकता है या उसका प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, उसकी योजना बनाई जाए ताकि आगे भी रेवाड़ी के अंदर किसी तरह का जलभराव ना हो। डॉक्टर, ये जो अभी आपने वाटर ड्रेनेज सिस्टम की बात करी, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि डल चुका है रेवाड़ी में तो ऑलरेडी? ये क्या है कि स्टॉर्म वाटर कहीं ब्लॉक हो जाता है तो हो सकता है जलभराव हो गया हो, लेकिन उसके बारे में ये नहीं कि नहीं डला या डल गया। बात ये है कि उसको प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, लेके प्रबंध करेंगे, उचित प्रबंध कर रखे हैं बारिश को लेके, लेकिन नजर नहीं आता कहीं भी। अगर यहाँ पे भी जहाँ हम खड़े हैं, सबको पता है कि वर्षों से यहाँ पानी आ रहा है, राजस्थान से पानी आता है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन इंतजाम के नाम पे कुछ भी नहीं है और यही शहर का हाल है। नहीं, ऐसा है, देखो ये प्राकृतिक आपदा है, पता नहीं कब कितना पानी आ जाए, तो इसके लिए तो देखो नहीं कह सकते, लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए अभी जो हमने बताया कि भी इसको पानी को एक जगह इकट्ठा करके पाइप के जरिए कहीं दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो इस तरह का मैनेजमेंट हम करेंगे। इससे पहले किया क्या है सर, अभी तक क्या किया यहाँ पे? नहीं भाई, जब जरूरत हुई आपने पता है जब दिक्कत आती है तभी आदमी। सर, तो किसान संयुक्त मोर्चा और जो हरियाणा के जो किसान है उनमें फूट देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात तो नहीं? देखो, इन लोगों ने ये तो आपने पहले भी सुना होगा कि इन्होंने कहा भी चुनाव लड़ेंगे, तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो है ही, और यही कारण है कि जो आपस में जो फूट पड़ रही है, किसान के लिए ना लड़कर ये अपना स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, ये आपके सामने आ गई। एक लगातार संसद को कल संसद सत्र शुरू हुआ था और बाधित किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, जो भी किसानों के बारे में अगर कोई चिंता है, कोई बात कहनी है, तो संसद उसके लिए उचित स्थान है। हार इस तरह सड़क जाम करना और घेराव करना ये तो गलत है, इसमें नहीं करना चाहिए। अगर कुछ बात करनी है तो आपको संसद में करनी चाहिए, ना कि बाहर संसद को घेराव कर अधिकारियों को। देखो, जिस तरह से पिछले दो दिन से काफ़ी भारी बारिश हल्के में हुई है जी, और उसकी वजह से काफ़ी जल भरा हुआ है, तो उसी को देखने के लिए हम आए थे कि लोग कह रहे थे गाँव में लोगों के मकान धस गए, खेती बर्बाद हो गई, काफ़ी भरा हो गया, तो उसी सिचुएशन को हम जमीन पर देखने के लिए आ जाए थे और ये देखा है कि वास्तव में पानी काफ़ी भरा है। लेकिन अधिकारियों को मैंने दिशा निर्देश दिए हैं कि जिस तरह से सरकार की पॉलिसी, माननीय मनोहर लाल जी बार बार कहते हैं कि भाई वाटर रिचार्जिंग करें, तो उसके लिए भी सरकार की पॉलिसी है, और गांववालों से एक उचित जो जगह अधिकारी लोग बता देंगे उसमें उस पानी को इकट्ठा करके हम रिचार्ज वेल भी बनाएंगे और इंजेक्शन वेल भी करेंगे, और ये जो पानी है इसको हम सदुपयोग करेंगे, इसका बर्बादी ना हो। तो एक तो ये था, और दूसरा अधिकारियों को ये भी दिशा निर्देश दिए हैं कि जिस तरह से अभी ये जल भराव की वजह से जो भी किसी का नुकसान हुआ है, चाहे मकान का, चाहे ट्यूबवेल धस गए हैं, या कोई और कोई नुकसान हुआ है फसल का, वो सब ये उसकी वो करेंगे, गिरदावरी करेंगे या उसका मतलब जाँच करेंगे, जो भी जितना नुकसान है वो सरकार को रिपोर्ट बना कर भेजें ताकि जो भी उचित मदद हो वो करवा सकें।